Assalamu alaikum everyone, welcome back to my child mom's kitchen. Aaj ban raha hai ji mazedar si egg mayonnaise sandwich aur main aapko batati hu main usme main kaise banati hu kyunki har koi different style se banata hai. Ye two eggs hai, maine boil kar liye inko hot water dal ke andar thoda sa namak maine dala hai aur 7 to 8 minutes liye maine inko boil kar liya. Ab inko chhilungi fir iske andar dalenge hum namak to taste, black pepper dalenge 1/4 teaspoon, kuti hui lal mirch 1/4 teaspoon, 1 tablespoon mayonnaise, चिली सॉस कोई भी हो, मेरे पास सलाटा सॉस है और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है. ये मेरे पास 50-50 है, पूरी वाइट नहीं है, ये मीडियम है, मिक्स है. ये कौन सी है, वीट एंड वाइट मिक्स स्लाइस हैं ये. सो अब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं. बॉयल एग्स को मैंने छील लिया है, अब फॉक की मदद से हम इसको करेंगे लाइक दिस. इसको अच्छा सा हम कर लेंगे, अंडों की एक किस्म की पेस्ट बना लेंगे बॉयल एग्स की सारे, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, नमक टू टेस्ट. अब डालेंगे हम ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर है मेरे पास, अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें. मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ, अगर आपको कम पसंद है कम डालने का, नहीं पसंद तो स्किप कर दें. डाल दिया, अब इसमें डालेंगे मेयोनेज और स्पाइसी सॉस. 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी मेयोनेज और 1 टेबलस्पून ही डालूंगी मैं वो स्पाइसी सॉस. ये सैंडविचेस बहुत डिफरेंट किस्म के बनते हैं. कुछ लोग सिर्फ अंडा बॉईल करते हैं, जस्ट नमक और काली मिर्च डाल लेते हैं. कुछ लोग जिनको पसंद नहीं है मेयोनेज वो नहीं डालते हैं. और अगर आपको नहीं पसंद है इनमें से कोई भी चीज़ तो आप स्किप भी कर सकते हैं. और जिस तरह मैं बना रही वैसे बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं कड़क चाय के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं. और मैं आपको फिर सिखाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी एग के स्लाइस और क्यूकम्बर के साथ एक सैंडविचेस बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं टी टाइम के साथ. चलो अब इनको मिक्स कर लेते हैं. मेरे पास ये वाली ब्रेड है क्योंकि मैं हमेशा ये वाली ब्रेड खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे वाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो 50-50 हो वो अच्छी लगती है खाने में भी. अब मैं दो स्लाइस निकालूंगी और एक स्लाइस के ऊपर जो बटर है अप्लाई कर दूंगी. चलो मैं अपनी ब्रेड निकालती हूँ. देखिए मैंने ब्रेड के ऊपर इस तरह लगा ली है और ये आपके माशाल्लाह बन जाते हैं, जैसे कि एक ब्रेड है आप चार बन जाएंगे आपके. मतलब क्या, अगर एक ब्रेड के भी आप इसके ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे तो दो स्लाइस हो गए, तो ऑल टुगेदर आपकी चार बन जाएंगे, तो दो लोग आराम से खा सकते हैं. चलो हम साथ हम बनाते हैं कड़क चाय. हम कड़क चाय बना रहे हैं, इसमें मैं ये एक कप पानी डालूंगी क्योंकि हम दो कप बना रहे हैं और आधा कप इसमें मिल्क जाएगा. चलो इसमें हम डालते हैं सौंफ और चाय का चम्मच. मैंने सौंफ डाल दिया, दो इलायची डाल दी है और मैं यूज़ करती हूँ ये यॉर्कशायर के टी बैग्स, इनसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो मैं ये वाली यूज़ करूँगी और दो डालूँगी इसमें. मैं निकाल ली है, मैं डालने लगी इसमें कितना अच्छा टी बैग कलर निकला है. अब इसमें डालेंगे मिल्क, डालेंगे मिल्क हाफ कप, हाफ कप मेरे पास मिल्क है, मैंने डाल दिया दूध इसमें. अब इसमें अंदर डालेंगे ब्राउन शुगर हाफ टी स्पून. अच्छा कलर आ गया, देखिए सिर्फ मैंने टू टी बैग्स डाले हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया. दो उबाले दिलवाएंगे इसको और फिर हमारी चाय तैयार है. ये जी है मेरे एग मेयोनेज़ सैंडविच और कड़क चाय का फाइनल लुक. आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर.